अच्छा दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन में दो चीज़ें बहुत अहम हैं एक है क्रिएटिविटी और दूसरी है टेक्निकल नॉलेज जी हाँ हमारे डिज़ाइंस के अंदर क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकली भी हमारे डिज़ाइंस को बिल्कुल ठीक होना चाहिए दोस्तों टेक्निकल हवाले से अगर बात की जाए तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्केल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा रिसर्च के हवाले से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के हवाले से और हमने ये जाना कि ब्रेन के थ्रू हम क्रिएटिव आइडियाज किस तरह से बना सकते हैं अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी टेक्निकल चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हमारे डिजाइन को स्टेबल करने के लिए तो दोस्तों वो चीज़ है स्केल स्केल से मेरी यहाँ पे मुराद है किसी भी चीज़ को मेयर करना चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है कोई शेप है या कोई भी दूसरी चीज़ मेयरमेंट का मतलब है स्केल दो एक मिसाल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई घर बनवाना है और अपने घर के लिए आप आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनवाने जाते हैं तो मुझे जरा ये तो बताइए कि आप उस आर्किटेक्ट को सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जी आप उसको ये बताएंगे कि आपके घर का स्केल क्या है यानी कि उसका साइज क्या है उसके बाद ही उसके नक्शे के हवाले से बाकी तमाम चीजों को डिसाइड किया जाएगा दोस्तों याद रखें आप कोई भी चीज डिजाइन करने लगें डिज़ाइन करने से पहले उसके स्केल के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाजमी कलेक्ट कर लीजिए होता यह है कि जब हम ऑनलाइन फिनांस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ क्लाइंट्स ने तो अपनी डिजाइन ब्रीफ के अंदर ही डिजाइन के हवाले से स्केल या साइज के बारे में भी बताया होता है जबकि बास क्लाइंट्स ने ऐसा नहीं किया होता तो कोशिश करें कि क्लाइंट से पूछ लें या वह इंफॉमेशन किसी तरह से कलेक्ट कर लें कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक्चुअली उसका स्केल क्या है दोस्तों स्केल की ग्राफिक डिज़ाइन में जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा है कि हमें मालूम है ग्राफिक डिज़ाइन में हम जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में जाके एग्जीक्यूट होना होता है प्रोड्यूस होना होता है तो दोस्तों प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन के हवाले से स्केल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है पोस्टर की एग्जांपल ले लीजिए अब पोस्टर मिसाल के तौर पे एक दीवार पे लगना है जाहिर बात है कि उसका जो साइज होगा वो उसी दीवार के हवाले से डिसाइड किया जाएगा जिस दीवार के ऊपर उसको प्रिंट होने के बाद जाके लगना है अब पोस्टर डिजाइन करने से पहले हमें उस पोस्टर का उस वॉल के हिसाब से स्केल का अंदाजा लेना होगा और उसी स्केल के ऊपर उस पोस्टर को डिजाइन करना होगा अदरवाइज जब वो पोस्टर प्रिंट होके आएगा तो वो उस दीवार के हवाले से छोटा या बड़ा हो सकता है अच्छा इसी तरह से अगर हम बात करें मैगजीन ऐड की दोस्तों हर मैगजीन का एक अपना ख़ास साइज और स्केल हुआ करता है अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी साइज़ या स्केल का मैगजीन ऐड बना दें तो वो हमारे उस मैगजीन के अंदर फिटेन नहीं होगा जिसके अंदर बेसिकली उसको जाके प्रिंट होना है इसके अलावा अगर बात की जाए वेबसाइट और स्मार्टफोन के हवाले से दोस्तों हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं वो एक्चुअली वेबसाइट के स्केल के हवाले से डिजाइन की गई होती है और वेबसाइट का स्केल डिपेंड करता है लैपटॉप की स्क्रीन के स्केल के ऊपर इसी तरह से हमारे जो स्मार्टफोन में जो वेब एप्लीकेशन हैं इनको भी स्मार्टफोन की स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज के हवाले से ही स्केल आउट किया जाता है तो दोस्तों हमें यह पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कोई भी आइटम डिजाइन करने से पहले हमें उसके एक्चुअल स्केल या साइज़ का पता होना ज़रूरी है लिहाजा अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन करते हुए स्केल का खास ख्याल रखें दोस्तों इस कोर्स के अंदर आगे चल के जब मैं आप लोगों को डिफरेंट आइटम्स डिज़ाइन करनी सिखाऊंगा जैसा कि पोस्टर मैगजीन ऐट और वेबसाइट वगैरह तो उस वक्त मैं आप लोगों को इन तमाम चीजों के स्टैंडर्ड स्केल स्टैंडर्ड भी बताऊंगा आप लोगों ने उन स्टैंडर्ड साइज़ेस को ध्यान से नोट कर लेना है और आने वाले वक्त में जब आप लोग इन चीजों को खुद से डिजाइन करने लगेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इनको या तो इनके स्टैंडर्ड साइज के हवाले से डिजाइन करें या फिर क्लाइंट की दी गई रिक्वायर्ड स्केल के हवाले से डिजाइन करें इसी तरह से आप इस चीज को श्योर कर सकते हैं यकीनी बना सकते हैं कि आपका डिजाइन कल को कहीं भी जाके जब एग्जीक्यूट होगा या प्रोड्यूस होगा तो वो अपनी सही हालत में मौजूद रहेगा और वो सही तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पाएगा